कुछ मौकाएं बन रही हैं, उस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। बिल्कुल करीबी मामला, विशाल माड़ी ना बेटे के चांस है गया गाड़ी स्पेशल मोमेंट फॉर दिनेश किसको। ये तो पहले दिन का खेल हो रहा भैया, दूसरे दिन का पूरा खेल बाकी है, अर्थात ये तो ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। ये जो 16 टीम है, इस 16 टीमों में हम देखेंगे कौन सा टीम लगी है। एक तरफ जय जगन्नाथ एफसी सेमीफाइनल का दरवाजा खटखटा चुके हैं, पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, और इस मैच में जो भी दल जीत हासिल करेंगे वो भी जाएगा सेमीफाइनल में। मगर यहां जीत और हार, एक दीवार जो बना था इस दीवार को पार नहीं कर पाए, थोड़ा सा हावी नजर आते हुए इनफॉर्म खिलाड़ी, और ये 12 नंबर फाउल का इशारा हुआ है हमारे रेफरी महोदय, थोड़ा सा उनका झलक आप तक पहुंचाऊंगा। सुपर 14 जीटीएस जुरासिक पार्क एमडीएस बीएफसी बनकाटी और कुमिर मोड़ी एफसी ब्लेंडर प्राइड और फॉरेस्ट एफसी सोरेन स्टार और रिटेन सिंगो। उसके बाद कई यूट्यूबर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मैच का हर दृश्य परिदृश्य अपने कमरे में कैद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 5 स्टार की तरफ से। कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप लाइव ये प्रोग्राम को देख पाएंगे, तो जो भी चैनल्स हैं लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फुटबॉल हो तो फिर आपको फुटबॉल का नजारा मिलते रहेगा। इस बार मुन्ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता है अपने दल के लिए जो यादगार बन जाता है। इसके खिलाड़ी 20 नंबर विमल माड़ी, और यहाँ पे 50-50 पोजीशन, दिनेश किसको का जलवा चलता हुआ, बहुत अच्छा चकमा दिया है, कमाल का खेल का प्रदर्शन दिनेश किसको की तरफ से। हालिया प्रदर्शन की अगर नजर डाला जाए दिनेश किसको का काफी इंप्रूव, एक मौका है आपके लिए, अगर मौके का फायदा उस अपॉर्चुनिटी का फायदा अगर उठाएंगे तो फिर आपकी टीम के लिए फायदा है। काफी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति हुई है, और इस बार सुहावना मौसम, दिलकश मौसम कहा जाएगा, और उसी अंदाज में खेल भी आगे बढ़ रही है। जबकि और एक मैच है, इस मैच के पश्चात थोड़ा सा समय खिलाड़ियों को दी जाएगी, जो भी दल जीत हासिल करेंगे विश्राम के लिए, थोड़ा सा समय विश्राम के लिए होगी, और तत्पश्चात पहले दिन का आखिरी मैच यहाँ पे खेली जाएगी। और यह है शुकु टूडू, ये भी उभरते हुए सितारे हैं, एमजीएम क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे स्किल के लिए जाने जाते हैं, एक अलग कंट्रोलिंग पावर। काफी कम समय में फुटबॉल के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने वाला खिलाड़ी शुकु टूडू, यहाँ पे मौका बना सकते हैं। दाहिनी तरफ गेंद को आगे बढ़ाना चाह रहा था, मगर पहले ही छूट भाप लिए थे कि गेंद आगे जाएगा, और लंबे कद का लंबे टांग का यहाँ पे भरपूर फायदा उठाया छोटू ने। 5 स्टार है, 5 स्टार कुदरुड़ी की तरफ से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है, हम सभी 77वां आजादी का महोत्सव मनाएंगे, और साथ ही साथ 52 धकेल चुका है ये कुदरुड़ी, पिछले 52 वर्षों से जो ये टूर्नामेंट आयोजित करते हुए आ रहे हैं, ये 52वां वर्षगांठ होगा, 52वां संस्करण होगा 2024, और ये 52वें सीजन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल का शुभारंभ हुआ है, और लगता है, और वास्तव में हमारे दर्शकों की अगर बात करेंगे तो फिर मन होता है सैल्यूट करेंगे, बिल्कुल अनुशासित, हर एक दर्शक अनुशासित अनुशासन का पालन करते हुए
एंड नाउ नॉर्थ साइड एबीसी जगन्नाथपुर एंड साउथ साइड साइड रवि स्पोर्टिंग हियर very very special and interesting match ongoing here and really our presented audience are very very excited for ongoing match throw in here विशाल माडी ना बेटे के चांस है गए वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर दिनेश किसको वेरी नाइस फिनिशिंग व्हाट अ फिनिशिंग हियर एंड लीड बाय 1-0 टिल नाउ बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिनेश किसकू ने बाजी पलटने में बहुत बड़ा माहिरी अंदाज दिखाया समझ में ही नहीं आया रवि स्पोर्टिंग के खिलाड़ी को करें तो क्या करें कमाल का कारनामा करते हुए दिनेश किसकू 10 का दम यहाँ पे दिखाता हुआ 10 नंबर का जर्सी उसे दिया गया है ताकि कुछ ना कुछ ऐसे उपलब्धि हासिल करे जो आने वाला कई समय के लिए उसे याद की जाए अंकित क्या एक तो शून्य से पिछड़ चुके हैं और कब तक ये एक शून्य जाता है यहाँ पे इतिहास बदलने का एक बहुत बड़ा कारनामा 10 नंबर के खिलाड़ी ने कर चुके हैं दिनेश किसकू ने अब तक एक शून्य के बारे में तो आदिवासी बॉयज क्लब जगन्नाथपुर एक ऐसा क्लब था जहां से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता था टैलेंट को देखा जाता था और उस टैलेंटेड खिलाड़ी को आगे बढ़ाया जाता था ताकि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें आज के डेट में फुटबॉल के जरिए अपने करियर को भी संवारा जाता है कई खिलाड़ियों का नौकरी लग चुका है मगर एंटरटेनमेंट का माध्यम सिर्फ और सिर्फ था मगर आज के डेट में एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है बल्कि अपने करियर को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं आई लीग भी हो रहा है जिसे आईएसएल कहते हैं इंडियन सुपर लीग उसमें भी आप भाग आजमा सकते हैं अगर आप अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म है आगे जाने के लिए आज के डेट में और ये सुविधा ये माध्यम इसके पहले नहीं था और एक मौका बनते बनते बिगड़ गया तो वापसी हो पाएगी रवि स्पोर्टिंग का हालांकि वो दमखम रखते हैं यहाँ कुछ मौकाएं बन रही हैं उस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे बिल्कुल करीबी मामला बहुत अच्छा यहाँ पे सेट पीस देखी गई बहुत अच्छा आक्रमण देखा गया और इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा हमारे अजीत मित्र जो कभी भी इस मैच में वापसी कर सकता है तो क्या भावना जी यहाँ पे रवि स्पोर्टिंग क्या वाकई में इस मैच में वापसी कर सकते हैं तो जहां तक बात कीजिए उत्पल जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्या भाई जिस समय में रवि स्पोर्टिंग वापसी कर लेंगे ये कहना मुश्किल है लेकिन बच्चे समय में खेल बहुत ही दमदार होगा हो सकता है यहाँ पर और एक दम दो जमीनी गोल हम लोग बचे समय में देख सकते हैं जिन्हें 10 नंबर की खिलाड़ी बोल के साथ अपन नीतीश राजेश मुर्मू आगे बढ़ना चाह रहे थे गोलकीपर राजू अच्छी हेडर राजेंद्र सोरेन का छोटू टीम के कप्तान पद रतन मुर्मू पीरू के लिए मौका शॉट तो लिए लेकिन टारगेट से बॉल को बाहर कर दिए और सीधी इच्छा पर समय समाप्त